हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डांसर साहब व्लॉग्स। गाइस, आज मैं पहुंच चुका हूं किचन में और आज बनाने वाला हूं शाही पनीर की रेसिपी। बहुत सिंपल तरीके से आपको दिखाता हूं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैंने लिया हुआ है। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, यहां मैंने लिया हुआ है 3 प्याज, 3 टमाटर, 1 लहसुन की कली, 4 मिर्च, 1 अदरक खड़ा, थोड़ी सी धनिया पत्ती, 1 हमारा एवरेस्ट का यहाँ शाही पनीर मसाला मिक्स और 1 यहाँ पर मैंने लिया हुआ है पनीर, 200 ग्राम पनीर है ये। गाइस, आप देख सकते हो मैंने सब्जियों को चॉपिंग कर लिया है और अब इसको मिक्सी में डाल करके इसकी ग्रेवी बना लेंगे। गाइस, आप देख सकते हो ये मैंने ग्रेवी तैयार कर लिया है। इस ग्रेवी में मैंने जो है प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्ची और धनिया को भी एक साथ पीस लिया था, इसलिए मेरे इस पेस्ट का कलर थोड़ा सा आपको ग्रीनिश टोन में दिख रहा होगा। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो खड़े मसालों में मैं यूज करने वाला हूँ एवरेस्ट का शाही पनीर मसाला जो आपने स्टार्टिंग में मेरे वीडियो में देखा हुआ है। उसके बाद में धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये हल्दी पाउडर, तेज पत्ता, उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो धनिया पत्ता, प्याज, मिर्ची, खड़ी मिर्ची और यहाँ पर हमारे पास में जीरा। ये पनीर हम लोग ले लिए हैं। गाइस, देख सकते हो पनीर को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और अब इस पनीर को करेंगे हम लोग गोल्डन शैलो फ्राई। वैसे आप देख सकते हो एक बाउल में मैंने पानी गर्म होने के लिए छोड़ दिया है, ये पानी यहाँ पे बॉईल हो रहा है और साथ ही आप ये भी देख सकते हो पनीर हमारा फ्राई हो रहा है, शैलो फ्राई होगा। शैलो फ्राई होने के बाद में हम इस पनीर को उठा करके डायरेक्टली इस गर्म पानी में डाल देंगे। आप भी इस तरीके से ट्रिक अपना सकते हैं, ऐसा करने से आपका पनीर काफ़ी सॉफ्ट रहेगा। गाइस, आप देख सकते हो पनीर हमारा फ्राई हो चुका है और पानी भी यहाँ गर्म हो चुका है, उबल गया है और इस पनीर को हम डायरेक्टली यहाँ से उठा करके इस पानी में डालते हैं। गाइस, ये लास्ट पनीर के पीसेस है, थोड़ा सा डार्क ज़्यादा ही भून गया है, ये मैंने लास्ट पनीर के पीसेस को भी डाल दिया पानी में। गाइस, पनीर को यहाँ पास हम लोग सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देते हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हो मैं आज को अब कर देता हूँ फ्लेम को थोड़ा सा सिम में, कम में, और अब यहाँ पास मैं डालने वाला हूँ हमारा जीरा, मिर्ची और प्याज, इसको पहले हम लोग डालेंगे। मिर्च को भी डाल देते हैं। और अब डाल देते हैं हम लोग प्याज को। सकते हो आप जीरा, मिर्ची और प्याज को हमने डाल दिया है और अब इसको शैलो फ्राई होने देते हैं। गाइस, साथ ही साथ यहाँ पर सब हम इसमें तेज पत्ता को भी डाल देते हैं। गाइस, देख सकते हो प्याज जो है कि शैलो फ्राई हो गया है और अब समय आ गया है तो हमारा टमाटो प्यूरी को डाल देता, टमाटो प्यूरी को अब मैं यहाँ से डाल देता हूँ, पूरे टमाटो प्यूरी को मैं यहाँ से डाल देता हूँ।
गाइस देख सकते हो प्यूरी को तो मैंने डाला है और ये बढ़िया तरीके से लो फ्लेम में भून रहा है। और प्यूरी के बाद में अब मैं इसमें मसालों को डालना स्टार्ट करता हूँ। ये सबसे पहला मसाला आप देख सकते हो, ये मेरा एवरेस्ट का शाही पनीर मसाला, ये गया अंदर। अब इसके बाद में मैं डालता हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये भी गया अंदर। और अब मैं डालता हूँ इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, हल्का सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे कलर के लिए। देख सकते हो आप, ये भी गया अंदर। थोड़ा सा यहाँ पास मैं डालूँगा धनिया पाउडर, ये भी गया अंदर। ये थोड़ा सा और डाल देते हैं, ये चला गया। और इसको बढ़िया तरीके से मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। और फ्लेम को अब हम कर देते हैं सिम में, लो में है, इसको अब हम कर देते हैं सिम में। और अब ये भूनिएगा बढ़िया तरीके से, तो भून लेते हैं मसालों को बढ़िया तरीके से, हम लोग अब भून लेते हैं। टेस्ट तो तभी आएगा जब मसाले प्रॉपर तरीके से पके होंगे। गाइस अब इसी के साथ में इस मसाला तो भून रहा है, और साथ ही साथ अब मैं इसमें डालूंगा नमक स्वाद अनुसार। आपको तीज पसंद है खाना है या कब खाना पसंद है, आप अपने अनुसार डाल सकते हो। मैं यहाँ डालने वाला हूँ 2.5 चम्मच, 2 चम्मच और 1 चम्मच और डालूँगा, आधा चम्मच और डालूँगा। ये हो गया। कैसे देख सकते हो मसालों को मैंने बढ़िया तरीके से भून लिया है, और आप कलर भी देख सकते हो, पहले ग्रीन स्टोन में था ग्रेवी हमारा और अभी रेड स्टोन में आ गया है। बढ़िया से मसाला भुंजा गया है यहाँ पर, इतना टेम्पटिंग लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हो आप। ये बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, आप भी चाहें तो अपने घर में इस तरीके की रेसिपी ट्राई कर सकते हो। गाइस देख सकते हो मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुंज गया है, और ये तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है साइड साइड। गाइस देख सकते हो मसाला हमारा बहुत ही शानदार तरीके से हो गया है, अच्छे तरीके से भुन गया है, साइड से इसने ऑयल भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। और अब हमारी बारी है इस पनीर को डालने की। इस पनीर के बाउल को हम सीधा इसमें डाल देते हैं। और अब आंच को कर देते हैं फ्लेम को हाई पे, और इसको बढ़िया से मिक्स कर देते हैं। ग्रेवी आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आपको पतली रखनी है या गाढ़ी। मैं तो ज़्यादा पतला नहीं करूँगा यहाँ पे ग्रेवी को, हमें तो गाढ़ी की ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है। गाइस अब ये उबल रहा है, देख सकते हो पनीर के पीसेस में आपको दिखा रहा हूँ, देखो बहुत ही शानदार लग रहा है। और अब इसमें हम डाल देंगे लास्ट में गार्निश करने के लिए ऊपर से धनिया पत्ती। ये देख सकते हो पनीर के पीसेस कितने ही जबरदस्त लग रहे हैं, और ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है क्योंकि हमने इसको उबाल लिया था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है। ये देख सकते हो आप कितना नरम है ये। गाइस हमारा शाही पनीर बन करके तैयार है, पीसेस बहुत अच्छे लग रहे हैं, और कलर और टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। गाइस शाही पनीर की सब्ज़ी तो बन करके रेडी हो गई है, थोड़ा सा मैं ले लिया हूँ टेस्ट करने के लिए।
गाइस शाही पनीर की रेसिपी तो मेरी बनकर के तैयार हो गई है, आपने देखा होगा वीडियो में पहले, और अब मैं थोड़ा सा ले लिया हूँ यहाँ टेस्ट करने के लिए। गाइस शाही पनीर तो हमारा बनकर के तैयार हो गया है और अब मैं इसको टेस्ट करके देख रहा हूँ कि किस तरीके से बना है। टेस्ट करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप, काफी अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। आप भी ट्राई कीजिए रेसिपी अपने घर में। गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पास करता हूँ एंड। आपको मेरा यह ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।